सो यहाँ मेरी आरजू रेडी है और ये थंडरबर्ड रेडी है, ये सारे बंदे रेडी है यहाँ पे आज सुबह निकलने के लिए। एंड मैं भी रेडी हूँ निकलने के लिए। फील के साथ साथ एयर प्रेशर भी चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है राइड से पहले। तो मैं अपने सामने में 28 डलवाता हूँ और पीछे में 33 और गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज। मुझे वॉश करने का टाइम मिला नहीं बिल्कुल, अचानक से प्लान हुई आज की ट्रिप एक संडे आउटिंग। मैं हूँ अभी 17 पेट्रोल पंप पे और हमने अभी पेट्रोल फ्यूलिंग करवाई है और गाड़ी में एयर प्रेशर चेक किया जा रहा है। सो टुडे इज संडे 19 दिसंबर और हम लोग बहुत दिनों के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के बाद, मुझे याद है लास्ट हमने ग्रुप में साथ में ट्रिप की थी और एक ट्रिप की प्लान हुई थी 2020 में मार्च को, एंड उसके बाद लॉकडाउन एंड 2 साल से बिल्कुल भी ना कहीं जाना हुआ एंड बहुत सारे प्लान बने और कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली आज प्लान सक्सेसफुल हुआ। ये बहुत सडन प्लान बना था, 2 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक संडे आउटिंग करते हैं और आज हम लोग सुबह बाहर हैं। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सुबह उठे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश फील हो रही है एंड मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। और हमें जाना है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बरुईपुर। सेटिंग हो रही है गूगल मैप की, यहाँ पे सब एक साथ मिलकर गूगल मैप सेट कर रहे हैं। चल लोकेशन सेटिंग की जा रही है। ये रहे नीरज, शंकर, संतोष और कैमरे के पीछे मैं। तो गाइस लेट्स गो। नहीं चलाऊंगा मैं ही। हाँ तुम चलाओ, मैं चलाऊं। नहीं यार तुम चलाएगा तो ब्लॉगिंग कौन करेगा। डियर सीएम मैडम प्लीज, अगर आप किसी तरह से इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना तो ख्याल रखिए कि आपके ऑफिस के सामने की सड़क थोड़ी ठीक हो। एंड पूरा गरबा उड़ा दिया यार। मैं तो भूखी है भाई, एक बार बात करो ना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, जो कोलकाता में जरा इलेक्शन है और हमारी तो बुकिंग हो चुकी है यहाँ पर और हमें उस पार जाने नहीं दिया जा रहा। लेट्स सी, बात करते हैं क्या बताते हैं सर। तो टोल चढ़ने से पहले ही हमें रोक दिया गया है, आप सारे बाइकों को रोक दिया जा रहा है एंड ड्यू टू इलेक्शन एंड लेट्स सी क्या करना है अभी। बोरीपुर আমাদের একটা রিসর্টে বুকিং আছে, ঠিক আছে, আজকে দেরি হয়েছে তো দেখছি ইলেকশন এর যেতে পারছি না, কি করা যাবে, কি এখানে যাওয়া যাবে না একদম। আর কি বলছেন? তো বলছেন 5টার পরে হবে, অন্য কোনো রুট দিয়ে যাবে। আমরা তো আজ স্যারের উপরে বলতে পারবো না না দাদা। আচ্ছা ইলেকশনটা কোথায় আছে এখন? মানে পুরো রুটটাই বন্ধ, টোটাল কলকাতা বন্ধ। আমরা যাচ্ছি ওই রিসর্ট কান্ট্রি ক্লাব বড়ইপুর। আমরা আসছি 7 থেকে। আমাদের কোথায়? হাওড়া এরিয়াতে নেই তো? হাওড়া কর্পোরেশনে ভোট না আজকে, আজকে তো কলকাতার আছে। আচ্ছা স্যার আসছি। यहां भी हो रही है चेकिंग, चेकिंग आज जबरदस्त हो रही है क्योंकि कोलकाता कॉरपोरेशन में वोट चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन हो रही है आज। एंड जैसा कि आपने वहां पे देखा आज तो वोट लगने वाली थी। भाई साहब ठंड का मौसम है, बहुत कड़ाके की ठंड लग रही है यहाँ पे, हवाएं जो चल रही है बर्फीली एकदम। वेल रुके हैं यहाँ पे डाब पीने के लिए, वैसे सर्दी हो रही है और डाब। एंड जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमें रोका गया यहाँ पे सिग्नल पे, बस जस्ट फॉर्मल चेकिंग के लिए।
पेपर्स वगैरह चेक किया गया एंड बड़ी पनौती होने से बच गए हम लोग, है कि नहीं। सुबह सुबह पूरा मूड का कवाड़ा निकल गया था, गड़बड़ होने ही वाले थे बट किसी तरह से हम लोग निकल आए। मैं बताऊंगा आप लोगों को लेटर ऑन। कभी कभी रूल ब्रेक करना पड़ता है। एंड कोकोनट वाटर फॉर यू। बंगाली मिक्स, हाँ साउथ इंडियन एंड बंगाली मिक्स। सुबह सुबह हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बरेलीपुर किसी रेस्टोरेंट पे। क्या नाम है इसका, क्या नाम है भाई साहब आपके यहाँ का? हाई फाई। सो हम लोग पहुंच चुके हैं हाई फाई शर्मा रेस्टोरेंट में एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया है, अभी टिफिन वगैरह करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बस पहुँच ही चुके हैं, कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे बंगाली मिक्स। आज तो पूरा मतलब बन ही चुका था कि प्लान कैंसिल होना ही है। मामू ने तो बैंड बजा रखा था। किसी तरह से हम लोग निकले वहाँ से, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा निकलने के लिए। उसको लिंक बोलते हैं, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने लिंक बना लगाया है यहाँ पहुँचने के लिए। वेल फाइनली वी आर हियर। बट वो लंबा होगा, बहुत मस्त बने। सांभर चटनी बड़ा फर्स्ट क्लास बने। रेस्टोरेंट का नाम है हाई फाई। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। एग्जैक्टली इट इज़ हाई फाई। मैंने सारे हाईटेक सामान से ये यहाँ पे बना रहे हैं एंड बहुत ही मस्त। बरेलीपुर में अगर आपको कभी आते हैं अगर और टिफिन करना हो, लंच करना हो, लंच नहीं मिल जाएगा यहाँ पे, लंच टिफिन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। सो कभी अगर बरेलीपुर आना होता है आपको, मस्त है, एक बार ट्राई कीजिए। आई एम बैक टू माई एक्शन कैम और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हुआ हम लोगों का और चलते हैं अभी आगे है जयनगर 24 किलोमीटर एंड कैनिंग 27। रहा दोस्तों वो वेन्यू कंट्री क्लब चाणक्यपुरी। वी हैव रीच एंड 11:46। ये रहा कंट्री क्लब का टूटा फूटा सर रास्ता। रे बाबा, वी आर इन, इज दैट द वेन्यू? मैं अपना रिफ्लेक्शन देख लूँ थोड़ा सा। दिस इज माय गेटअप एंड एग्जैक्टली 12 o'clock। ये है वो प्लेस, आगे गणेश जी का मंदिर है, गणपति बप्पा मोरिया। This is resort country club। भाई बहुत ठंडा है, हमको तो जाने का मन नहीं है। इससे बेटर होगा प्यार झुबा झुला के बैठ जाओ यहाँ पे धूप पे। तो इट्स टाइम टू स्विम। ये रहा स्विमिंग पूल और अभी सब कूदने वाले हैं इसके अंदर, और एक ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे। पानी कैसा है? ओ गॉड भाई, फीलिंग्स बता। इट्स टाइम टू गोवा। सारे बच्चे पूल पे उतर गए, नेक्स्ट बारी है मेरी। बहुत चिल पानी है, डर लग रहा है मुझे उतरने में। कहा
मस्ती हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मोबाइल लेके स्विमिंग की जा रही है, बहुत बड़ा रिस्क है। ठंड में चिल्ल हो रही है, चिल 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 मची है, चिल। लिटरली ठंड में हालत ख़राब हो गई, अदरवाइज पूल में काफ़ी मज़ा आया, अभी इंजॉय किया हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे, बट ठंड में एकदम से शिवरिंग शिवरिंग सी हो रही थी, बहुत चिल पानी है यहाँ पे। अब मौसम भी बहुत ठंड है आज, काफ़ी हवाएं चल रही है तेज़ तेज, बट वी हैविंग फन, लॉट ऑफ फन। अब चलना है जाके यहाँ पे लंच करेंगे और लंच के बाद फिर थोड़ा सा मस्ती करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे शाम को यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी कूल और शांत जगह है, अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए और एक दिन में आप कहीं आसपास चिल आउट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम इन। अब आओ दोस्तों के साथ मस्ती करो, मजाक करो, खेलो कूदो, यहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ भी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, अल्लाह तो भाई टंगड़ी के मज़े लिए जा रहे हैं यहाँ पे। वो टंगड़ी है, टंगड़ी में कोई टेस्ट नहीं है, वाटर लेग पीस कोई टेस्ट नहीं है, शंकर बोल दिया कोई टेस्ट नहीं है तो कोई टेस्ट। लंच अब यहाँ पे क्रिकेट खेलने की तैयारी हो रही है, एक मिनी क्रिकेट गेम होगा, कुछ ग्रुप्स और भी आए हुए हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वहाँ उस तरफ कुछ लड़कों के ग्रुप है और हम लोग। बहुत ही फैंटास्टिक दिन रहा आज का, ये दोस्तों के साथ में काफ़ी चिल आउट हुआ और संडे बन गया आज एकदम फुल इन्जॉय, और शाम हो चली है, अब निकलेंगे यहाँ से हम लोग। और ऑन द वे एक मार्केट पड़ता है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ रुकता हूँ तो उसको मैं कैप्चर करूँगा, अदरवाइज़ ब्लॉग की एंड में यहीं पे करूँगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है कुछ भी इस ब्लॉग में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। का फ्लोटिंग मार्केट पाटली में, और ये पूरा का पूरा मार्केट बना हुआ है, क्या ले रहे हैं यहाँ से फिश फ्राई, पूरी की पूरी मार्केट जो है पानी के ऊपर बनी हुई है, ये पॉन्ड है, छोटी सी पॉन्ड है और ये पॉन्ड के ऊपर सब शिप छोटी छोटी बोट जैसी बनी हुई है, एक एक बोट पे एक एक शॉप बना हुआ है और हर तरह की शॉप है यहाँ पे, सब्जी भाजी से लेकर चिकन मटन से लेकर और यहाँ पे चटपटी सामान, फिश फ्राई जो कि बंगाल का सबसे फेमस डिश है, फिश फ्राई, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आइटम्स यहाँ पे है। एंड आगे वहाँ पे और भी बहुत सारे शॉप है। चिकन पकौड़ा खाया हमने यहाँ पे, चिकन के नाम पे सिर्फ हड्डी मिली है। रिजॉर्ट से निकलने के बाद सीधे पाटली में आकर हम लोग यहाँ पे रुके हैं, पाटली में अभी हमने देखा फ्लोटिंग मार्केट वहाँ पे जो कि एक छोटे से कैनल के ऊपर बनाया गया है, एंड यहाँ रोड साइड बहुत ही खूबसूरत पब्लिक एरिया है, वंडरफुल इवनिंग, फुल टू मस्ती भाई, आज का संडे तो बन गया। ये जो लाइन देख रहे हैं आप और किसी चीज़ की नहीं, चाय की चुस्की लेने की लाइन है, और लुक एट द नेम ऑफ टी शॉप, चा ओ नचिकेता। नचिकेता एक फेमस सिंगर है हमारे यहाँ बंगाल के, राइड करे और चाय ना पी ऐसा हो नहीं सकता, और चाय वो भी चाय ओ नचिकेता के शॉप पर, तो लेट्स सी चाय कैसी कड़क और मज़ेदार होती है बताता हूँ। नाम तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा ही अट्रैक्टिव। और ये आ गई मेरी कुल्हड़ वाली चाय, ये रही मेरी कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पर। चाय का मज़ा सबसे पहले तो चाय की खुशबू से आती है बॉस, क्या खुशबू है, क्या खुशबू, आपको ये खुशबू शॉप के बाहर तक आ रही है। लेट्स हैव अ ऑसम फैंटास्टिक मैन, फैंटास्टिक। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, एंड अब तो हो गई है शाम और करना है ब्लॉग को एंड यहीं पे, एंड
अब गाड़ी शुरू होगी और सीधे रुकेगी एकदम घर पे जाके।